तो आज की हम अपनी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम सम इफ को यूटिलाइज करेंगे। हमने इससे पहले वाली क्लासेस में आपको हमने सम इफ की कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, लेकिन किसी ने करके मुझे भेजा नहीं। कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर दिए थे, अब बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। एक बार डेटा दिखा देता हूं। मेरे पास डेटा क्या है? मेरे पास डेटा है कि किस तरीके से मेरे पास नेम, सिटी, क्वांटिटी, एमआरपी और किस डेट को सेल हुआ है, यहां दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं यहां से मंथ जैन, यहां पे मैं ईयर डाला और जैन टू अप्रैल डालूंगा तो उस बीच का जो सेल है सिटी वाइज यहाँ आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे पुनीत नेम, सिटी और ईयर डालता हूं तो मंथली सेल आ जाता था। उसके लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट बनाया था, ऐसे यहाँ भी मुझे इसके स्टार्ट डेट और इसके एंड डेट बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? सिंपल, यहाँ पे वन डैश और इसके साथ हम कॉन्कैटनेट करेंगे जैन को और फिर यहाँ वापस देंगे डैश और इसके साथ हम ईयर को कॉन्कैटनेट कर लेंगे। तो हमारा जो मंथ डालेंगे, कोई भी मंथ डालूंगा, जैसे मैंने फेब ही डाल दिया तो फेब का स्टार्ट डेट यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ एंड डेट भी सेम इसी नक्शे के दम पे बनाऊंगा कि यहाँ पे वन डैश एन परसेंट अप्रैल एन परसेंट डैश और हमने ईयर दे दिया। लेकिन मुझे अप्रैल की सेल चाहिए, मतलब कि 1 अप्रैल नहीं, मुझे 30 अप्रैल तक की सेल चाहिए। तो उसके लिए हमें यहां इस महीने की लास्ट डेट निकालने के लिए ईओ मंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने का एंड डेट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे 30 अप्रैल आ गया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ सम इफ्स का, क्योंकि मोर देन वन कंडीशन है इसलिए हम यहाँ सम इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। सम रेंज, तो डेटा में मुझे सम करना है किसको, क्वांटिटी को, और उसके बाद यहाँ पे आता है क्राइटेरिया। वन रेंज हमें सिटी को मैच करना है, पहली क्राइटेरिया हमारी सिटी है तो हमने सिटी सेलेक्ट कर लिया G4 और I4। और फिर दूसरी क्राइटेरिया में हमने डेट को सिलेक्ट किया और बोला कि वो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए हमारा G4 से। और फिर वापस हमने सिलेक्ट किया और बोला कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए I4 से। फोर हमने I5 करना चाहिए था, हाँ, इसलिए दिक्कत हो गया था। तो ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा और इसके अंदर जो ये जो यहाँ पे हमने रख रखे हैं इसको हम कॉपी करके इसी के अंदर में हम पेस्ट कर सकते हैं, तो हमारा बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। यहाँ G5 की जगह पे पेस्ट कर देते हैं और बाकी एक बचा AEO मंथ, ये हमारा I5 की जगह पे आ जाएगा। तो इससे लिंक कट गया और नीचे हम इसको फ्रीज करके ड्रैग कर देंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं ईयर का क्वार्टर कैसे निकालूं। चलिए हम क्वार्टर निकालते हैं ईयर का। सबसे पहले तो मैं यहां पे राइट फॉर्मूला लगाता हूं ताकि मुझे इसका वन पता चल जाए। और यहां पे मैं चूज का फॉर्मूला के अंदर डालता हूं, बोलता है अगर A1 है तो यहां पे आ जाए जैन। मैं हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ डालूंगा, यहां पे अप्रैल, जुलाई,
एंड अक्टूबर। तो अगर क्वार्टर वन हुआ तो ए वन आएगा, टू हुआ तो टू आएगा, थ्री हुआ तो थ्री आएगा। अब मेरा स्टार्ट डेट हो जाता है, इसी के साथ कॉन्कैटेनेट कर देता हूं मैं वन डैश और यहां पे एन परसेंट डैश, और हम एन परसेंट में अपना ईयर ले लेते हैं। तो 1 जनवरी 2017, फिर मैं ईओ मंथ देता हूं, बोलता हूं कि ये 2 महीने बाद का डेट दिखा दे, 31 मार्च। तो मुझे मिल गया अपने महीने का, फर्स्ट महीने का स्टार्ट डेट, क्वार्टर वन का स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट। इसको A4 कर दूं मैं तो आगे की भी ट्रैक कर सकता हूं दोनों को। तो यहां पे देखिए हर क्वार्टर का स्टार्ट डेट और एंड डेट आ गया। अब इस पे हम सम इफ लगा सकते हैं आसानी से, कि सम इफ इफ्स सेम क्राइटेरिया होगा। हम जाएंगे डेटा में, हम सिटी को लेंगे पहला क्राइटेरिया, और हमारे पास ये पहली क्राइटेरिया आ गया पुणे। और यहाँ पे हमारा दूसरी क्राइटेरिया यहाँ आ जाएगा, और दूसरी क्राइटेरिया में यहाँ पे देते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू L5, एन परसेंट के साथ L5। और फिर वापस हम डेट को सिलेक्ट करते हैं और देते हैं कि यहाँ पे कि लेस देन, यहाँ इन्वर्टर कॉमा देना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू एन परसेंट L6। L6 क्यों ले लिया, ये आपका रेंज साइट। ओ हाँ हाँ हाँ, हमने गलती कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे मुझे सम रेंज लेना चाहिए था ना, आप सही रिजल्ट आएगा। बाकी इनको मर्ज तो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से और ड्रैग कर सकते हैं, राइट सर, इतना तो आपको आता ही है। और अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि मेरे पास ईयर है और मेरे पास मंथ है और मुझे यहाँ पे वीकली रिपोर्ट चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस जो महीना सिलेक्ट है उस महीने का फर्स्ट डेट मैं कंबाइन करूंगा और निकालूंगा। ये आ गया, और फिर मैं यहाँ पे राइट फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा और इसमें से राइट अलग करूंगा एन, और मैं इस पे मल्टीप्लाई बाय 7 - 6 करता हूं। नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 - 7 ही मल्टीप्लाई माइनस हो गया, हाँ 7 माइनस करता हूँ, 0 हुआ। इसको कंबाइन कर देता हूं मैं राइट को इस पे B4 में, और फिर इसमें मैं प्लस करता हूं इसको ताकि मुझे हर वीक का स्टार्ट मिल जाए, और इसको फ्रीज कर देता और आगे की तरफ इसको ड्रैग करता हूं। यहां देखिए हर वीक का स्टार्ट डेट हमको मिल गया, 1 जनवरी 8 जनवरी। तो हमने क्या किया, हमारा वीक 7 दिनों का होता है
और डेट मान लीजिए हमारे डेट ये है, तो मुझे अगर पहले वीक का डेट पता करना है तो मैं क्या करूंगा कि अपने इसमें मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 7 करूंगा और इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो पहले वीक का स्टार्ट डेट हमारे पास आ गया 1 जनवरी और एंड डेट के लिए पता है कि इसमें +7 करूंगा तो मुझे नहीं +6 करना होगा, 6 करूंगा एक कम करना होता है तो एंड डेट आ जाएगा। और दूसरा वीक डालूंगा देखिए 8 से 14, तीसरा 15 से 21, चौथा 22 से 28, तो ये हमारा निकल गया। अब इनको आपस में मैं यहाँ B24 है ना, हाँ B24 के जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये आगे ड्रैग कर देते हैं, अब इसको डिलीट कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एंड डेट के लिए गलती हो गया, B20 यहाँ इसकी फॉर्मूले को B24 के जगह इन द ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं, अब मैं आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ उसके, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसके जगह पे इसमें कर देता हूँ +6। अब इसको मैं सम इफ्स में डालता हूँ, सम इफ्स डेटा में सम रेंज हमारा क्वांटिटी है कॉमा क्राइटेरिया 1 रेंज सिटी, यहाँ सिटी है और हम डेटा में आके सिटी को ले लेते हैं, इसमें सिटी ये हो गया आपका B 23 और 24। हाँ डेटा में जाते हैं क्राइटेरिया 2 रेंज, क्राइटेरिया 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन परसेंट B22। एंड फिर वापस मैं इसी को लेता हूं और बोलता हूं कि लेस देन इक्वल टू एन परसेंट B23 और 24 था, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा और इसको आपस में मर्ज करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, आप लोग इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज करके मुझे भेजिए, मतलब इसकी जो मैंने जस्ट इसे रफली यूज किया है ना, ये सबको फ्रीज करके ये सब खाली कर देना जो कैलकुलेशन कर रखा है वो सबको मर्ज कर देना, मर्ज करके आप मुझे इस फाइल को अभी भेजिए, अभी मैं आपको मेल करता हूँ। ठीक है, मेल करता हूँ सर आपको, आप सभी आदमी मुझे इसको बना के भेजिए। करना क्या है तो आप सो रहे थे क्या? नहीं सर, मैंने बोला कि मैंने तो रफली बनाया ना, जो लास्ट में लगा के सबको फॉर्मूले के अंदर मर्ज करके और फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए बाकी पे ब्रीज करके ड्रैग कर दीजिए ताकि साफ सुथरा फाइल दिखे। ठीक है, ओके बाय, फाइल भेज रहा हूँ मैं आपको।